चल तो हम लोग आज अपना सेकेंड क्लास शुरू करते हैं इसका। लास्ट क्लास में हमने करेंट का बेसिक डेफिनेशन सीखा था, और ये हमने सीखा था कि करेंट क्यों फ्लो करता है, और हमने ये भी बताया था कि अपने को इस चैप्टर में जो स्टडी करना है वो करना है मेनली कंडक्टर के बारे में, कि कंडक्टर में कैसे करेंट आपका फ्लो करता है। तो हमने कहा था कि उसके लिए आपको पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके रखना होगा, तभी आपका करेंट फ्लो करता है। लेकिन हम अगर करेंट का बेसिक डेफिनेशन पे जाएं, तो हमने कहा था कि करेंट होता है ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज, ड्यू टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब देखो कि कुछ कंडीशंस ऐसे भी होते हैं जहां पे आपका चार्ज फ्लो तो करता है, लेकिन फिर भी कोई करेंट नहीं होता है। हमने बोला कि चार्ज फ्लो करता है लेकिन करेंट नहीं होता है, और हमने जब करेंट का डेफिनेशन बताया था तो हमने कहा था कि यहाँ पे जो हम चार्ज का बात करते हैं तो हम बात करते हैं नेट चार्ज का, नेट फ्लो ऑफ चार्ज। तो अगर कहीं सिर्फ चार्ज फ्लो कर रहा है तो वहां पे करेंट होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि करेंट का मतलब होता है नेट फ्लो ऑफ चार्ज, कहीं पे आपका अगर चार्ज फ्लो कर रहा है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वहां पे करेंट भी फ्लो करे। और वही आपका होता है एक एक कंडक्टर के लिए। हम अगर एक बात करें कि मेरे पास एक कंडक्टर है, जैसे मान लो कि अगर मेरे पास एक कॉपर का वायर है, तो हम उसको बोलेंगे क्या है, ये एक कंडक्टर है, कॉपर इज ए कंडक्टर, वेरी गुड, मेरे पास एक वायर है। अब हमने यहाँ पे जो टॉपिक दिया है कि बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन एब्सेंस ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, एक्चुअल में जो मेरा टॉपिक मेनली है क्या, कि कैसे कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद क्या होता है कि करेंट फ्लो करता है। सबको पता है कि वहां पे चार्ज का फ्लो होगा इसलिए करेंट फ्लो करता है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से पहले वहां कोई चार्ज फ्लो नहीं कर रहा था। तो मेरा जवाब ये होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से पहले भी वहां पे चार्ज फ्लो करता है, और मैं आपको समझाऊंगा कि पहले कैसे चार्ज फ्लो करता है, लेकिन फिर भी कोई करेंट नहीं होता है। मतलब कि अगर मेरे पास एक कोई कॉपर वायर ऐसे मैंने बस अपने रूम में रखा हुआ है तो उसमें कोई करेंट नहीं है, लेकिन उसमें चार्ज फ्लो कर रहा है। तो चार्ज फ्लो कर रहा है फिर भी करेंट नहीं है, वही मैं आज आपको समझाऊंगा। और पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद ऐसा क्या होता है कि करंट फ्लो करने लगता है, तो उसको समझने के लिए पहले आपको बेसिक ये आइडिया होना चाहिए कि जब भी मैं चार्ज का बात करूंगा करंट वाले चैप्टर में, तो मैं नेट चार्ज का बात करता हूँ। नेट चार्ज का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि एक कंडक्टर का मैंने कोई सरफेस एरिया लिया है, और मान लो कि इस कंडक्टर में 2 कूलम चार्ज फ्लो किया है राइट के साइड की तरफ, और 2 कूलम का चार्ज फ्लो किया है आपका लेफ्ट साइड की तरफ भी, तो यहाँ पे चार्ज फ्लो कर रहा है लेकिन यहाँ पे कोई नेट फ्लो नहीं है, यहाँ पे चार्ज का कोई नेट फ्लो नहीं है, तो इसमें करेंट आ जाएगा 0। तो वही आपको ये ध्यान में रखना, फिर आपको अच्छे से ये हम जो समझाना चाहते हैं वो समझ में आ जाएगा। तो चलो इस पे ध्यान देते हैं कि बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन अब्सेंस ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए जैसे मान लो कि मेरे पास ये एक कंडक्टर है, मैंने इसका शेप लिया है सिलेंडर, एक्चुअल में मेनली हम लोग को वायर्स लेना होता है, तो वायर्स का शेप हम लोग मानते हैं कि उसका शेप सिलेंड्रिकल ही है। तो मैंने यहाँ पे एक कंडक्टर लिया है, उसका शेप मैंने बोला है सिलेंड्रिकल। अब देखो होता क्या है कि ये अगर कंडक्टर है तो इसमें काफी सारे होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, काफी सारे होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि मूव करने के लिए फ्री हैं, और मेरा जो करेंट वगैरह आता है वो उन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के चलते आता है। अब होता क्या है देखो कि अगर मेरा कंडक्टर एट रूम टेम्परेचर है तो इसमें बहुत सारे चार्ज के पास क्या है कि कुछ थर्मल एनर्जी है। ये सबने सुना होगा इन क्लास 11 कि टेम्परेचर के चलते जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, या जो उनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास क्या होता है, कुछ थर्मल एनर्जी होता है। तो यहाँ पे जो चार्ज है मेरे उनके पास भी क्या है, थर्मल एनर्जी है, तो वो मूव करते रहते हैं, वो इस कंडक्टर में मूव कर रहे हैं एट रूम टेम्परेचर ऑल्सो, एट रूम टेम्परेचर ऑल्सो दे आर मूविंग, और उनका जो स्पीड होता है वो लगभग 10^5 m/s के आसपास होता है। मतलब कि वो काफी हाई स्पीड से वो लोग मूव करते हैं लेकिन फिर भी कोई करंट नहीं है। वो इसलिए होता है कि एट रूम टेम्परेचर जब हमने कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया है तो इस कंडक्टर में जो जो मेरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव तो करते हैं लेकिन उनका कोई नेट मूवमेंट ऑफ चार्ज नहीं होता है। नेट मूवमेंट ऑफ चार्ज का मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि नेट चार्ज किसी भी तरफ शिफ्ट नहीं करता है, नेट चार्ज किसी भी तरफ शिफ्ट नहीं करता है। और इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक पिक्चर लिया है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको समझाऊं कि उस कंडक्टर के अंदर ये जो मेरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे उनका मोशन कैसे होता है और कैसे कोई नेट शिफ्टिंग नहीं होता है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखो, मैं इसको जूम करता हूं, तो देखिए सबको फोटो दिख रहा होगा। तो मैंने यहाँ पे ऐसा आपको बताया है, देखिए
ये है मेरा, यहाँ पे जो मैंने लिया है आपको एक राउंड शेप में दिख रहा होगा, इसको मैंने माना है कि ये है मेरा इलेक्ट्रॉन, ये मेरा इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए कि अगर ये मेरे पास कंडक्टर है तो इसमें काफी सारे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ एक को इलेक्ट्रॉन। तो ड्यू टू थर्मल एनर्जी उसके पास मोशन तो है, लेकिन चांस क्या होता है कि वो जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो बाकी जो इलेक्ट्रॉन था उससे वो कोलिजन करेगा। जैसे मान लो कि मैं अगर 100 लोग को एक रूम में बंद कर दूं और मैं अब बोलूं कि सब लोग उसमें दौड़ो आप लोग, तो क्या होगा कि एक लोग दौड़ेंगे, फिर वो कोई सामने वाले से वो टकराएगा, फिर एक कोई कहीं वो कहीं और जाएगा, फिर वो किसी और से टकराएगा। या आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो कि जैसे मान लो कि एक रूम में 100 लोग, ऐसे 100 लोग हैं और 100 लोग क्या हो रहा है कि उनका मोशन रैंडम मोशन है, कि मतलब कोई जा रहा है एक्स में तो कोई जा रहा है वाई में, कोई जा रहा है लेफ्ट साइड तो कोई जा रहा है राइट साइड। और मैंने बोला कि आपको गेट से बाहर निकलना है, आपके पास एक गेट है और आपको गेट से बाहर निकलना है। अब आप एक बताओ कि एक रूम में 100 लोग हैं और 100 लोग दौड़ रहे हैं इस तरफ उस तरफ, तो कितना प्रतिशत का चांस है कि कोई एक इंसान उस गेट से बाहर निकल जाएगा? वो चांस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि आपका जो मोशन है वो रैंडम है, बहुत कम स्पेस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं और उनका मोशन रैंडम हो रहा है, मतलब उनका शिफ्टिंग किसी एक तरफ हो पाना बहुत ही कम चांस है उसका। कि हम अगर राइट साइड कुछ दूर गए, फिर कोई आएगा हमको धक्का मारेगा, फिर हम आ जाएंगे लेफ्ट साइड, तो मेरा कोई शिफ्टिंग हुआ ही नहीं। हम राइट साइड गए थे, जो शिफ्टिंग हुआ उसको कर दिया कैंसल, जो मेरा फिर से लेफ्ट साइड का शिफ्टिंग हो गया। और वही होता है इन द केस ऑफ कंडक्टर एट रूम टेम्परेचर, उसमें बहुत सारे होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसमें बहुत सारे होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन उनका किसी का भी नेट शिफ्टिंग नहीं होता है, किसी का भी नेट मूवमेंट नहीं होता है। तो आप ऐसे इसको समझना, मतलब कि इनसाइड अ कंडक्टर जो मेरा फ्री इलेक्ट्रॉन्स था, उसका जो एक्चुअल में जो पाथ होता है ना, वो कुछ होता है जिगजैग पाथ। और वो समझाने के लिए देखो मैंने यहाँ पे ये लिया डायग्राम, ये आप ये डायग्राम देख के समझ सकते हो कि देखो मेरा जो, मान लो कि हमने बोला कि ये कोई यहाँ से स्टार्ट हुआ, मेरा यहाँ से उसने स्टार्ट किया चलना, फिर वो गया इस तरह, फिर वो ऐसा गया, फिर वो ऐसा गया, फिर वो ऐसा आके देखो, फिर ऐसा आके, फिर ऐसा आके, फिर ऐसा, फिर वो यहीं पहुंच गया है। मतलब कि वो चार्ज मेरा मूव तो कर रहा है लेकिन उसमें कोई नेट शिफ्टिंग ही नहीं हो रहा है। अब अगर कोई नेट शिफ्टिंग नहीं हो रहा है तो हम बोलेंगे कि उसमें चार्ज का कोई नेट फ्लो नहीं हो रहा है, और अगर चार्ज का कोई नेट फ्लो नहीं हो रहा है तो उसमें कोई करंट नहीं आएगा। और यही होता है आपका कंडक्टर के साथ, उसमें चार्ज तो मूव करते हैं लेकिन चार्ज का कोई नेट शिफ्टिंग नहीं होता है, तो हम लोग बोलते हैं कि उसमें कोई करंट नहीं है। अब ये आपको अगर समझ में आ गया है तो आपको अब जो नेक्स्ट अपना पार्ट है कि जहां पे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो वहां पे करंट क्यों फ्लो करता है, आपको वो भी समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल आपको ये ध्यान में रखना, तो देखो मैंने वही लिखा है कि टिपिकल आपका ट्रेजेक्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो का मतलब ये हुआ कि इस चार्ज पे जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स थे उन पे कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लग रहा है, क्योंकि हमने कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया। तो उनका मोशन है जिगजैग पैथ है, वो आपके एक सिंपल स्ट्रेट लाइन में एक तरफ मूव नहीं करते हैं, वो आपका रैंडमली मूव करते हैं, उनका कोई नेट शिफ्टिंग नहीं होता, इसलिए कोई करंट नहीं होता है। आप लोग ये बात अपने मन में ऐसा बैठा के रख लेना कि जब हमने कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया है तो उसमें कोई नेट शिफ्टिंग नहीं हुआ होगा। हालांकि जो इसमें आपका चार्ज जो मूव कर रहा था, इसमें जो आपका चार्ज मूव कर रहा है, और मैं बात कर रहा हूँ चार्ज का मतलब कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मेनली हम लोग बात करेंगे कंडक्टर का, तो उसमें जो चार्ज कैरियर होता है वो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हालांकि आपका जो चार्ज करेंट का फ्लो होता है वो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज भी होता है, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज भी होता है, लेकिन इन कंडक्टर करेंट जो फ्लो होता है वो होता है मेनली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, मेनली ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो हम लोग बस बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स का ही। तो आप लोग ये सब अपने मन में ऐसा सेट करके रखना, बैठा के रखना। अब हमने बोला कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें स्पीड है, वो काफी तेजी से मूव कर रहे हैं और उनका जो स्पीड का रेंज है वो 10^5 m/s के रेंज का है, तो उनके पास स्पीड तो है। हाँ सर बिल्कुल, उनके पास स्पीड है। अब मैं पूछूं कि क्या उनके पास कोई नेट वेलोसिटी है क्या, मैं पूछूं कि क्या उनके पास कोई नेट वेलोसिटी है, तो आंसर होगा नहीं, उनके पास वेलोसिटी नहीं है, उनके पास स्पीड है। और स्पीड और वेलोसिटी में क्या होता है आपका डिफरेंस होता है, जैसा कि आपका होता है डिफरेंस इन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मैं अगर आपसे पूछूं कि वो जो उसमें एक कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स था तो क्या उसने कुछ डिस्टेंस किया ट्रेवल, तो आंसर होगा हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो कुछ ऐसा 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 कुछ ऐसा पाथ आया था तो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, लेकिन जहां से वो स्टार्ट किया था लगभग वहीं पहुंच गया है, तो उसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है।
डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो उसका कोई वेलोसिटी नहीं है, और वेलोसिटी नहीं है मतलब उसका किसी भी एक पार्टिकुलर तरफ कोई शिफ्टिंग नहीं है, और इसलिए उसने कोई करेंट नहीं था। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि अगर मेरे कंडक्टर में, इफ मेरे कंडक्टर में एन इलेक्ट्रॉन्स थे, और मैं जब भी बात करूंगा एन इलेक्ट्रॉन्स का, मैं बात कर रहा हूं एन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, तो हो सकता है कि मैं कहीं सिर्फ मेंशन करूं आपको इलेक्ट्रॉन्स, तो आप अपने मन में सोच लेना कि मैं बात कर रहा हूं फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। तो मान लो कि मेरे अगर कंडक्टर में एन फ्री फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे टोटल, तो इनका हम फाइंड करना चाह रहे हैं एवरेज स्पीड। तो इनका होगा जो एवरेज स्पीड, वो आपका हो जाएगा यू वन प्लस यू टू डॉट 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 जो यू एन एन डिवाइडेड बाई एन। और ये जो एवरेज स्पीड आता है वो आपका आता है ऑफ द रेंज ऑफ 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि क्या इनके पास कोई एवरेज वेलोसिटी है क्या? एवरेज वेलोसिटी मैं पूछ रहा हूँ एवरेज वेलोसिटी के बारे में। तो मैं जो जहां पे मैंने स्पीड शो किया था, मैं वहां पे शो करूंगा वेलोसिटी, मतलब मैंने यहाँ शो किया इन वेक्टर फॉर्म, तो यू वन प्लस यू टू डॉट 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 यू एन डिवाइडेड बाई एन, और यहाँ पे कोई नेट शिफ्टिंग नहीं था तो कोई नेट वेलोसिटी नहीं होगा, मैं उसको लिख दूंगा जीरो। मतलब कि एट रूम टेम्परेचर उनका एवरेज स्पीड था ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन उनका एवरेज वेलोसिटी नहीं है। और आप लोग ये बात याद रखना, क्योंकि जो मैं नेक्स्ट जो टॉपिक लेने जाऊंगा वहां पे मैं इसका यूज करूंगा कि इनका जो एवरेज वेलोसिटी था वो आपका है जीरो। जल्दी से सब लोग इसको एक बार अपने मन में सोच लो और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस ये है कि जब हम कंडक्टर के अक्रॉस अब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, अब हम यहाँ पे एक बैटरी जोड़ेंगे तब क्या होगा? तो अगर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, मैंने मतलब कि मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड इनसाइड द कंडक्टर। देखो तो ये अपना कहानी हो गया। चलो देखते हैं क्या होगा। तो मैंने फिर से लिया कंडक्टर सिलेंडर शेप का, मैंने इसको बैटरी से जोड़ा, मैंने बोला कि इससे बैटरी ने इस कंडक्टर के एंड ए और बी के अक्रॉस भी वोल्टेज या भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है। अब सुनिए कि अभी क्या होगा, बैटरी जोड़ने के बाद क्या होने वाला है। तो मैंने जब बैटरी हमने जब यहाँ पे कनेक्ट किया, अब क्या होगा कि इसके ए और बी के अक्रॉस, ए और बी के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा और वो होगा इक्वल टू वी। और मैंने बोला कि आप मान लो कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज एल, और इस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के चलते इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और वो फील्ड कहाँ होता है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। मतलब कि इसमें जो फील्ड बनने वाला है वो कुछ बनेगा आपका ऐसा ए से बी की तरफ। वेरी गुड। अब देखो अब क्या होने वाला है कि पहले जब हमने इस कंडक्टर को किसी कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया था, तब इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, तो जो भी मेरा चार्ज फ्री चार्ज कैरियर था उसके पास जो भी क्या था एनर्जी आ रहा था, वो आ रहा था ओनली ड्यू टू टेम्परेचर, या फिर ओनली उसके पास था थर्मल एनर्जी। अब क्या होगा कि जैसे हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया, अब उन सब पे क्या होगा, अब उन सब पे एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, और वो फोर्स कौन सा होगा, वो आपका फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फोर्स। और अगर हमने चार्ज कैरियर लिया है इलेक्ट्रॉन, तो मतलब उस पे जो फोर्स होगा वो होगा जस्ट अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स आपके थे उन पे चार्ज था निगेटिव, तो उन पे एक फोर्स लगना स्टार्ट होगा, कहाँ पे उन पे एक फोर्स लगना स्टार्ट होगा अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको मैंने नाम दिया है एफ से। देखो मैं इसको शो कर रहा हूँ एफ से, कि इन सब पे एक फोर्स लगना स्टार्ट होगा। अब मैं आप चाहो तो इस एफ को आप एफ सफिक्स में ई भी लिख सकते हो। एफ सफिक्स में ई आपका जो शो कर रहा है, वो आपका शो कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसका वैल्यू कितना होगा बोलो, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पे चार्ज था ई, इस पे फील्ड का वैल्यू मैंने लिया है ई, और फोर्स में लिख रहा हूँ इन वेक्टर फॉर्म, मतलब कि यहाँ पे मैं माइनस साइन भी ऐड करूंगा। माइनस साइन बस ये शो कर रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छी बात है। अब बोलो क्या होगा कि अब वो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे उन सब पे फोर्स लग रहा है, उन सब पे फोर्स लग रहा है अपोजिट टू द फील्ड। अब क्या होगा कि वो सब अब उस फोर्स के चलते एक तरफ खींचे खींचे चले आएंगे, वो एक तरफ खींचे चले आएंगे, और वो कहाँ होगा, वो होगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
मतलब कि फोर्स के चलते अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो अपोजिट टू द फील्ड आपका शिफ्ट करना स्टार्ट करेंगे। मतलब अब यहाँ पे चांस बन रहा है कि आपका शिफ्टिंग किसी एक पर्टिकुलर डिरेक्शन में हो जाए, क्योंकि हमने यहाँ पे फोर्स लगा दिया है उस फ्री इलेक्ट्रॉन से। अब मेरा एक सवाल उठता है यार, देखो तुम लोग के मन में शायद ये आ सकता है कि जैसे ही हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, अब क्या होगा कि पहले जो मेरे चार्ज थे जब हमने कोई फील्ड अप्लाई नहीं किया था तो उनका जो स्पीड था वो 10^5 m/s के स्पीड से वो ऐसे मूव कर रहे थे, उनका एवरेज वेलोसिटी 0 था। लेकिन हमने बोला कि जब हम फील्ड अप्लाई करेंगे तो इनमें कुछ एवरेज वेलोसिटी आएगा। अब सब ये सोच लेंगे कि हाँ, तब तो काफी अच्छा बात हो गया, जैसे ही मैंने फोर्स लगाया सब एक तरफ शिफ्ट करना स्टार्ट कर देंगे, तो सबका जो अब एवरेज वेलोसिटी आएगा वो कुछ बहुत ज्यादा हाई वैल्यू आने वाला है, कि ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10^4 m/s या 10^5 m/s। तो ऐसा नहीं होता है, फिर से ऐसा नहीं होता है। देखो क्यों, हालांकि हमने यहाँ पे बाहर से फोर्स अप्लाई किया है तो उनका शिफ्टिंग किसी एक तरफ अब होगा, लेकिन फिर से सोचो कि वहां पे क्या है, वहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। मतलब फिर से क्या होगा, उनमें कोलिजन होने वाला है, फिर से क्या होगा, उनमें कोलिजन होगा। मतलब कि आप कुछ ऐसा सोचो कि एक मान लो कि था इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसा, जैसे मान लो कि ये मेरा एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है और एक मान लो कुछ ऐसा यहाँ पे एक और था इलेक्ट्रॉन, ये ऐसा मूव कर रहा है, ये गया मूव किया इससे टकराया। अब क्या होगा, देखो कि ये जब हमने इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगाया तो ये कुछ गेन करेगा और एक्स्ट्रा वेलोसिटी, फिर ये जाएगा, फिर ये इससे टकराया, ये इससे टकराएगा, अपना जो था एनर्जी वो लूज करेगा, लेकिन फील्ड उस पे अभी भी फोर्स लगा रहा है, फिर से ये गेन करेगा एनर्जी, फिर कहीं टकराएगा, फिर से ये लूज करेगा, फिर से गेन करेगा। मतलब ये जो कोलिजन वाला आपका चक्कर है वो अभी भी चल रहा होगा, कोलिजन अभी भी हो रहा है, जो मेरा इलेक्ट्रॉन था वो अभी भी कुछ एनर्जी लूज करेगा। मतलब जो मेरा कहने का मतलब है ना, कि यहाँ पे जो शिफ्टिंग आपका हो रहा है वो शिफ्टिंग बहुत ज्यादा नहीं होता है या बहुत फास्ट शिफ्टिंग नहीं होता है, शिफ्टिंग होता है बहुत कम होता है। जब हमने फील्ड अप्लाई नहीं किया था तब कोई शिफ्टिंग ही नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही हमने फील्ड अप्लाई कर दिया अब शिफ्टिंग होगा, लेकिन वो शिफ्टिंग बहुत कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी भी कोलिजन हो रहा है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि जब हमने फोर्स इस पे लगा दिया है फील्ड अप्लाई करके, तो इसका जो एवरेज वेलोसिटी है वो फिर से आपका बहुत फास्ट नहीं आ जाएगा, बहुत कम आने वाला है, लेकिन कुछ शिफ्टिंग होगा और उस शिफ्टिंग के चलते अब करेंट फ्लो करेगा, उस शिफ्टिंग के चलते अब करंट फ्लो करेगा। अब यहाँ पे जो शिफ्टिंग होगा वो कहाँ होगा, वो होगा अपोजिट टू द फील्ड, मतलब बी से ए की तरफ, और शिफ्टिंग हो रहा है निगेटिव चार्ज का। और हमने सीखा है कि डिरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करेंट इज अपोजिट ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ निगेटिव चार्ज, मतलब करेंट कहाँ आएगा आपका, बोलो ए से बी तक। देखो फिर ये करेंट आपका आने वाला है ए से बी तक, ये कितना करंट आ रहा है हमको नहीं पता है अभी, लेकिन हमने ये जरूर सीख लिया कि इसमें जो करंट आएगा वो ए से बी आएगा आफ्टर अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपल सी कहानी है, मैं वो करंट अभी आपको फाइंड करके बताऊंगा कितना आएगा, लेकिन फिलहाल आप इसको अभी ध्यान रखना कि जैसे ही हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया मेरा ये काम होने वाला है। अब हम जा रहे हैं फाइंड करने कि ये जो शिफ्टिंग हो रहा है, हमने बोला था आपसे कि यहाँ पे शिफ्टिंग तो होने वाला है, बिल्कुल सर शिफ्टिंग होगा, लेकिन वो शिफ्टिंग का आप हमसे बोल रहे हो कि वो जो शिफ्टिंग का वेलोसिटी आ रहा है वो बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है, वो बहुत कम आ रहा है, वो कितना आ रहा है मैं आपको वो बताऊंगा अब। और उससे पहले आप एक बात और ऐसा जान लो कि यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई का वैल्यू कितना आने वाला है, तो हमने बोला कि आप जस्ट यूज करना ई बराबर वी बाई एल। तो वी मतलब क्या कि उसका पोटेंशियल डिफरेंस था अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर, और एल उसका लेंथ था, तो यहाँ जो फील्ड बनने वाला है वो आपका वी बाई एल आया। ये कैसे आया है मैंने बहुत पहले आपको बहुत बार ये बता भी चुका हूँ, तो आप लोग इसको ध्यान रखें। यहाँ पे फील्ड ये बनने वाला है, मतलब कि जो फोर्स लग रहा होगा, जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे फोर्स कितना होगा, बोलो -E(V/L), ये इन पे फोर्स लग रहा है। अच्छा अब आप ध्यान देखो, तो यहाँ पे मैं वेक्टर फॉर्म में मैंने शो किया है, तो मैं एक्चुअल में इसको वेक्टर फॉर्म में शो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है वो होता है स्केलर क्वांटिटी। तो आप इसको बस ऐसा मॉड लिख दो कि इसमें जो फोर्स लग रहा है वो आपका लगेगा E(V/L), क्योंकि पोटेंशियल आपका होता है स्केलर क्वांटिटी। तो मैंने इसको E(V/L) लिख दिया, फोर्स का वैल्यू इन द टर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, इन द टर्म ऑफ फील्ड आपका फोर्स होगा -E(V/L), आपका कैपिटल ई वेक्टर, यहाँ आप वेक्टर फॉर्म में शो करते हो, या आप चाहो तो इसका सिर्फ जो मैग्नीट्यूड होगा आप उसको सिंपल E(E)V लिख सकते हो कि चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड।
आप ध्यान से देखो, अब मैंने बोला कि जो आपके फ्री क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स थे, उन पे फोर्स लगा है स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। स्मॉल ई क्या है सबको पता है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ई है जो अप्लाइड फील्ड का मैग्नीट्यूड। अब इस फोर्स के चलते क्या आएगा कि जो भी मेरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे उनमें कुछ आने वाला है एक्सलरेशन, और वो मैं जो ए लिखूंगा वो मैं लिखूंगा एक्सलरेशन इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाई मास। ये सबको पता है, लेकिन मैं वो लिखूंगा माइनस ई इंटू कैपिटल ई वेक्टर डिवाइडेड बाई एम। दिस इज द एक्सलरेशन, मतलब कि उनमें जो ए आने वाला है वो भी आपका क्या आएगा, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। बिल्कुल अच्छी बात है। और आप चाहो तो जो इनका ए का आप जो मैग्नीट्यूड लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ओनली, वो आपका हो जाएगा स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई डिवाइडेड बाई एम। मैंने आपको वेक्टर फॉर्म में शो किया है, और मैंने आपको ये जो स्केलर फॉर्म है मैंने उसमें भी आपको शो कर दिया है। तो ये उनमें होगा एक्सलरेशन। यहाँ पे जो माइनस साइन आपको शो कर रहा है वो बस इतना ये बता रहा है कि ए इज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और वो कुछ नहीं बता रहा है, बस उसका डिरेक्शन बताएगा वो। सिंपल सी कहानी है। अब देखिए, चलो, तो ड्यू टू दिस एक्सलरेशन, या फिर आप बोल सकते हो कि ड्यू टू दिस फोर्स इलेक्ट्रॉन्स विल डेविएट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओरिजिनल पाथ, मतलब कि जब कोई फील्ड नहीं था तो जिस तरफ वो मूव कर रहा था अब उस पाथ से वो डेविएट करेगा, तो ये मेरा मतलब हुआ, मतलब अब ओरिजिनल पाथ। और अब इस डेविएशन के चलते वो किसी एक तरफ शिफ्टिंग होगा तो उसका एवरेज वेलोसिटी भी आएगा। अब आता है आपका कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब आपका आएगा कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको हम लोग लिखते हैं वी डी से, वी सफिक्स में डी, डी फॉर ड्रिफ्ट। तो सुन लो ये होता क्या है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी विथ विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट्स ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल अंडर द इफेक्ट ऑफ द अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो मैंने क्या बोला कि ये वो वेलोसिटी होता है, देखो मैं बात कर रहा हूँ वेलोसिटी का, पहले नेट वेलोसिटी जीरो था, अभी उसमें कुछ वेलोसिटी आया है, तो मैं उस वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी विथ विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट्स ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। देखो सबको यहाँ पे दिख रहा है कि इसमें जो ड्रिफ्ट होगा वो कहाँ हो रहा है, वो हो रहा है टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, या आप बोल सकते हो टुवर्ड्स एंड ए ऑफ द कंडक्टर। और जिस वेलोसिटी से इनका ड्रिफ्टिंग होता है उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, या इसका एक डेफिनेशन और होता है, और ये मेनली आपको बुक में यही दिया रहता है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एवरेज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ, एवरेज वेलोसिटी ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब वो जितने भी आपके फ्री क्या थे, जितने भी आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे उनका इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के चलते जो एवरेज वेलोसिटी आएगा अपोजिट टू द डिरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और उसको हम करते हैं डिनोट बाय वीडी। मतलब कि जो मेरा करंट फ्लो करेगा उस करंट के लिए ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही जिम्मेदार होगा। हालांकि इसका वैल्यू मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा नहीं होता है। ये जो आपका ड्रिफ्ट आपका जो है वेलोसिटी, इसका जो ऑर्डर होता है ना, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर होता है 10^-4 m/s का। ये बहुत कम होता है, और ये कम क्यों होता है, ड्यू टू कोलिजन, क्योंकि वो ड्यू टू कोलिजन वो किसी एक पार्टिकुलर डिरेक्शन में बहुत ज्यादा शिफ्ट नहीं कर पाता है। मैं बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा शिफ्ट नहीं करता है, कुछ करता है, और उसी कुछ के चलते आपका करेंट फ्लो करता है। सिंपल सा कहानी ये है। चलो और भी इसमें हम देखते हैं। तो मैंने ये सीखा कि आपको अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करना है तो आपको जितने भी उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे उनके वेलोसिटी का आपको आपको एवरेज वैल्यू फाइंड करना होगा, और वो मैं आपका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो आपको बताने से पहले मैं कुछ दो टर्म्स और चाहूंगा बताना, और वो जो दो टर्म है ये बिल्कुल ही
टेक्निकल टर्म है, और उनमें जो सबसे पहला नाम है वो है मीन फ्री पाथ। इस मीन फ्री पाथ को हम लोग लेमडा से करते हैं डिनोट। और सुनो ये होता क्या है लेमडा, इट इज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बाई इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। मतलब कि कोई भी फ्री जो आपके होंगे इलेक्ट्रॉन्स वो किसी से कोलाइड करने से पहले, या हाँ किसी से कोलाइड करने से पहले कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल किया होगा, और वो जो एवरेज होता है डिस्टेंस ना उसको हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ। हो सकता है कि डिफरेंट कोलिजन के लिए वो डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ एवरेज डिस्टेंस का। तो आप लोग इसको ध्यान रखना कि इट इज द एवरेज डिस्टेंस। तो हम लोग इसको लिखते हैं कि लेमडा इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कोलिजन, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कोलिजन। तो यहां से आपको मिल जाएगा एवरेज डिस्टेंस कि आपने कितना किया है ट्रेवल डिस्टेंस और आपका कितना नंबर ऑफ कोलिजन हुआ था, वहां से आपको मिलेगा मीन फ्री पाथ या फिर एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। और ये जो लेमडा का होता है ऑर्डर, या जो लेमडा का अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आता है वो आपका आता है 10 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर में। देखो 10 एंगस्ट्रॉम के आसपास इसका वैल्यू होता है। मैंने बोला ये अप्रोक्सीमेटली, मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बोल रहा हूँ, मैंने बोला कि इसका जो अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आता है वो आपका 10 एंगस्ट्रॉम के आसपास है, जो कि बहुत कम है। और जो आपका नेक्स्ट जो टर्म है टेक्निकल टर्म, उसका नाम है सेकेंड टर्म का नाम है रिलैक्सेशन टाइम, और इसको हम लोग सीखते हैं टाउ से। देखो इसको हम पढ़ते हैं टाउ, इसको हम करते हैं टाउ से डिनोट। और ये टाउ जो होता है ना कि एवरेज टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। देखो ये जो मीन फ्री पाथ था वो था एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, और ये जो आपका टाइम है ये आपका होता है एवरेज टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। मतलब कि हम लिखेंगे कि टोटल टाइम टेकन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ कोलिजन, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ कोलिजन। तो यहां से आपका आ जाएगा रिलैक्सेशन टाइम। और इसका जो होता है ऑर्डर ये भी आपका काफी कम होता है, ये होता है लगभग 10^-14 सेकेंड का, ये बहुत कम होता है, सिंपल सी कहानी है ये। अब देखिए अब हमने ये दो टर्म सीख लिया है, अब हम लोग सीखेंगे कि क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके अब सुनिए, मैंने बोला कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो आपका आने वाला है वो आपका होगा एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स। तो मान लीजिए कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद जो डिफरेंट आपके जो इलेक्ट्रॉन्स थे उन्होंने कुछ वेलोसिटी गेन किया है। अब मान लो कि उसने आपके एन थे इलेक्ट्रॉन्स, एन थे, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और मान लो कि जो पहला आपका है जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स उसका जो है वेलोसिटी वो कुछ हमने लिखा है कि U1 वेक्टर प्लस ए इंटू टाउ1, प्लस ए इंटू टाउ1। और टाउ1 क्या है, टाउ1 इज द, बोलो टाउ1 इज द कौन सा टाइम जो अभी हमने जस्ट फाइंड किया है, रिलैक्सेशन टाइम फॉर द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। सबके लिए ये वैल्यू होगा डिफरेंट, हमको वो पता नहीं है कि किसका क्या सेम आने वाला है डिफरेंट, तो हम लोग इसलिए सबका लेंगे डिफरेंट डिफरेंट। तो हमने जो बोला कि जो फर्स्ट जो अपना है इलेक्ट्रॉन वो मान लीजिए कि टाउ1 टाउ टाइम में उसने इतना वेलोसिटी गेन किया होगा, v1 इक्वल टू u1 प्लस a टाउ1। अब देखो तो जो भी मेरे जितने भी यहाँ पे फ्री क्या थे इलेक्ट्रॉन्स थे सबका a सेम आने वाला है, क्योंकि सब पे चार्ज सेम था, हमने फील्ड का वैल्यू सेम लिया है, सबका मास सेम है तो सबका a का वैल्यू सेम है, तो उसमें कोई चाप नहीं है। सिमिलरली जो सेकेंड आपका होगा इलेक्ट्रॉन्स उसका कुछ हो जाएगा u2 प्लस ए इंटू टाउ टू, ऐसे ही काफी सारे होंगे। जो आपका nth होगा उसका हो जाएगा un प्लस ए इंटू टाउ एन। ये हमने क्या लिखा, ये जो हमने लिखा v1 v2 और vn, ये हमने लिखा है जो डिफरेंट डिफरेंट जो आपके इलेक्ट्रॉन्स थे उनका जो वेलोसिटी अभी हुआ है, उन्होंने जो वेलोसिटी गेन किया है आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन हमको फाइंड करना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हमको फाइंड करना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और वो क्या होता है इन सबका एवरेज वैल्यू। हमने अभी जस्ट क्या सीखा कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके मतलब हम लिखेंगे वी डी इक्वल टू
वी वन प्लस वी टू डॉट 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 वी एन डिवाइडेड बाई एन, इन सबका जो एवरेज वैल्यू आएगा वो मेरा हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो चलो इसको हम लोग फाइंड करते हैं। देखो तो मैं यहाँ से लिखूंगा कि वी डी इक्वल टू वी वन प्लस वी टू, तो जहाँ पे वी वन है वहाँ हमने लिखा है ई वन प्लस ए इंटू टाउ वन, जो वी टू था वहाँ मैं लिखूंगा यू टू प्लस ए इंटू टाउ टू, प्लस ऐसे ही जो आपका वी एन था उसका मैं लिखूंगा यू एन प्लस ए इंटू टाउ एन डिवाइडेड बाई एन। देखो मैंने इसको ऐसे लिखा यहाँ पे। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, तो मैं इसको यू वन प्लस यू टू प्लस डॉट 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 यू एन डिवाइडेड बाई एन प्लस, देखो तो इसको ए टाउ वन प्लस ए टाउ टू डॉट 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 ए टाउ एन भी यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एन डिवाइडेड बाई एन। मैंने इसको ऐसे लिखा। अब देखो हमने जस्ट अभी सीखा था कि दिस यू वन प्लस यू टू प्लस यू एन बाई एन इक्वल टू जीरो फ्रॉम द प्रीवियस नॉलेज। फ्रॉम द प्रीवियस नॉलेज हमने कहा था कि आप इसको ध्यान रखना, यू वन प्लस यू टू प्लस डॉट 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 यू एन बाई एन का वैल्यू आया था जीरो। ये था क्या? ये आपका था कि वेलोसिटी ड्यू टू थर्मल मोशन। ये क्या था? ये आपका था वेलोसिटी ड्यू टू थर्मल मोशन, और उसका हमने देखा था कि एवरेज वैल्यू आता है जीरो, मतलब कि मैं इस यू वन प्लस यू टू प्लस यू एन बाई एन को लिख दूंगा जीरो, तो ये आपका आ जाएगा जीरो। और प्लस देखो तो यहाँ सब में ए था कॉमन, तो मैं वहाँ हम लिख दिया ए कॉमन, और यहाँ क्या आ जाएगा टाउ वन प्लस टाउ टू डॉट 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 टाउ एन डिवाइडेड बाई एन। अब देखिए तो ये जो टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस प्लस टाउ एन डिवाइडेड बाई एन है, इसको मैं लिख सकता हूँ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम फॉर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स। हमको एक का कोई सीओटी नहीं क्या होता है, इसलिए हमने लिया है एवरेज वैल्यू, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ओके, और इसको मैं लिखूंगा ओनली टाउ, इसको मैं लिखूंगा ओनली टाउ, तो ये मैंने लिया है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। मतलब कि अब जो अपना वीडी वाला फॉर्मूला था, वीडी को मैं लिख सकता हूँ सिंपली ए इंटू टाउ। मैंने इसको कर लिया सिंप्लीफाई, वी डी इक्वल टू ए इंटू टाउ, और अभी जस्ट हमने सीखा है कि ए को हम लोग लिख सकते हैं ए इक्वल टू माइनस स्मॉल ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाई मास इंटू टाउ। देखिए ये मेरा आ गया एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ये आपके बोर्ड्स के एग्जाम में इसका डेरिवेशन आपसे आ सकता है, या आपसे बोलेगा कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी यूजिंग द मैकेनिज्म ऑफ करेंट फ्लो इन अ कंडक्टर। तो मैकेनिज्म ऑफ करेंट फ्लो मतलब यही जो हमने अभी आपको सिखाया कि कैसे वो करते हैं ड्रिफ्ट वगैरह, उन पे क्या और एक्स्ट्रा एनर्जी आता है ड्यू टू अप्लाइड फील्ड, यही सब आपसे पूछेगा वो। तो ये मेरा आया है एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अब सबको ये याद होना चाहिए। हमको यहाँ पे एक मिनट रुक जा भाई, देखो यहाँ पे अब हमको दिख रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि हम जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे या जितना ज़्यादा हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे उतना ज़्यादा मेरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी आने वाला है। और हमको ये भी दिख रहा है कि डिरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डिरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज अपोजिट टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है आपका डिरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, तो ये आप लोग नोट करो। हाँ लेकिन देख होता ही है ना कि तू लोग बस कंसेप्ट को करना ध्यान देना, फिर तेरा जो भी प्रूविंग जो होता है ना, एक मिनट हमारा नेट अभी लाइन कटा है तो लेट मी कम बैक, एक मिनट। चलो तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन करेंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो चलो मैंने फिर से एक लिया है कंडक्टर, मैंने ये लिया है कंडक्टर, सब लोग इसका ध्यान से देखना प्रूफिंग। और मान लो कि मैंने यहाँ पे ये
पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, और ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के चलते इसमें जो आपके फ्री वाले थे चार्ज कैरियर आपके इलेक्ट्रॉन्स, उनमें कुछ आया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मैंने उसको नाम दे दिया है VD से। इस पर मेरे को VD का वैल्यू दिया हुआ है, इनमें आया है VD, ये देखो VD आपका आया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हमको फाइंड करना है इसमें कि अगर ये जो फ्री आपके चार्ज कैरियर हैं उनका ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD है तो इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा होगा कंडक्टर में। अब सिंपल सी कहानी है, इसमें करंट कहाँ होगा, करंट होगा टर्मिनल ए से टर्मिनल बी तक। आप हमेशा ध्यान रखना कि करंट होगा हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, या देखो आप ऐसे भी देख सकते हो कि जो मेरा माइनस चार्ज है वो आ रहा है बी से ए, तो करेंट होगा जस्ट अपोजिट टू द फ्लो ऑफ माइनस चार्ज, तो होगा आपका ए से बी की तरफ। सिंपल सी कहानी है, मैंने माना है कि एरिया ऑफ, और जब भी मैं बात करूंगा एरिया का तो मैं बात करूंगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर मैंने माना है ए, ओके। और इसमें मैं एक चीज और मानूंगा और वो आपका न्यू टर्म है, देखो यहाँ पे हमने एक चीज माना है स्मॉल एन, स्मॉल एन को बोलते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन द कंडक्टर, उस कंडक्टर के एक यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, या इसको हम लोग चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं, या हाँ चार्ज डेंसिटी, कि कितना नंबर ऑफ चार्ज आपका वन वॉल्यूम में है, यूनिट वॉल्यूम में है। तो आप लोग इसको ऐसे भी याद रखना, हमको ये सब बातें दिया हुआ है, और तब हमको फाइंड करना है करंट। और एक चीज आप और मान लो, ई बराबर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, अब सुनो हमने फाइंड किया है VD। अब हम ऐसा मान के चलते हैं कि इसमें जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे सारे एक कांस्टेंट वेलोसिटी VD से शिफ्ट कर रहे हैं B से A की तरफ, हालांकि उनका जो वेलोसिटी होता है वो आपका चेंज करता है ड्यू टू कोलिजन, लेकिन हम ऐसा मान के चल रहे हैं आसानी के लिए कि सबका वेलोसिटी एक ही था, यूनिफॉर्म है, कॉन्स्टेंट है, और वो VD है, B से A की तरफ वो शिफ्ट हो रहा है, अच्छी बात है। अब आप मेरे को एक बात बताओ कि अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए हमने माना है, और इसमें जो शिफ्टिंग हो रहा है, जो चार्ज आपके मूव कर रहे हैं वो कर रहे हैं मूव विथ वेलोसिटी VD, तो आप मैं आपसे पूछूं कि इन टाइम डेल्टा टी आप बताओ व्हाट इज द फ्लो ऑफ चार्ज, इन टाइम डेल्टा टी फ्लो ऑफ चार्ज आप पहले फाइंड करो, क्योंकि जैसे ही मेरे को फ्लो चार्ज मिल जाएगा तो हम लोग डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी से करेंट का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इन टाइम डेल्टा टी फ्लो ऑफ चार्ज मैंने माना है डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू, वेरी गुड, अच्छी बात है। अब कैसे फाइंड करें कितना चार्ज फ्लो करेगा टी टाइम में, तो देखो ध्यान सुनो कि अगर इसका स्पीड VD है, अगर इसका स्पीड VD है तो इन टाइम टी जो शिफ्टिंग होने वाला है, देखो इन टाइम टी जो आपका शिफ्टिंग होगा, मान लो कि वो एक्स लेंथ का जो था आपका, एक्स लेंथ के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो शिफ्ट किए हैं, या वो इस कंडक्टर में एंटर करेंगे या लीव करेंगे, आप कुछ ऐसा मान लो एक्स लेंथ के, तो वो कितना आएगा एक्स, वो आपका एक्स आएगा स्पीड इंटू टाइम, तो आपका आ जाएगा VD इंटू डेल्टा टी। लेकिन डेल्टा टी टाइम में इतना लेंथ का, या आप ऐसे मान सकते हो कि इतना टाइम में इतना लेंथ में डेल्टा एक्स में जितने भी फ्री आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे सारे के सारे यहां से निकल गए होंगे, या सारे के सारे इतना यहां से मूव कर गए हैं, ये हुआ मेरा इतने लेंथ के जाएंगे, एक्चुअल में हमको फाइंड करना है कितने चार्ज जा रहे हैं, ओके। अब देखो उसके लिए हमको दिया है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और ये हमको मिल गया है लेंथ, मतलब हम बोल सकते हैं कि डेल्टा टी टाइम में, डेल्टा टी टाइम में ए इंटू एक्स या फिर ए इंटू VD इंटू डेल्टा टी वॉल्यूम में जितने भी चार्ज होंगे वो सारे के सारे शिफ्ट हो जाएंगे। देखो मैंने ये एक्स फाइंड किया था लेंथ, कि इतने लेंथ के चार्ज शिफ्ट होंगे, अब मैंने जब इसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमने बोला कि इतने वॉल्यूम में जितने चार्ज होंगे वो सारे के सारे डेल्टा टी टाइम में शिफ्ट हो गए होंगे, तो इतने वॉल्यूम के ए इंटू VD इंटू डेल्टा टी। अब हमने फाइंड करके रखा है पहले से एन इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एक वॉल्यूम में थे एन इलेक्ट्रॉन्स, तो वी वॉल्यूम में कितने होंगे बोलो, आप उसमें एन से कर दो मल्टीप्लाई, तो
मतलब कि एन इंटू ए इंटू वी डी इंटू डेल्टा टी, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किए होंगे, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किए होंगे, लेकिन हमको फाइंड करना है चार्ज, तो मैंने इसमें चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन से कर दिया है मल्टीप्लाई। देखो तो मतलब कि इस डेल्टा टी टाइम में एन ए वी डी ई इंटू डेल्टा टी अमाउंट का चार्ज शिफ्ट कर रहा होगा। तब हमको यहां से मिल गया है कि डेल्टा क्यू इक्वल टू, देखो यहां से एन ए वी डी ई इंटू डेल्टा टी, हमको फाइंड करना है करेंट, और हम यहाँ फाइंड कर रहे हैं एवरेज करेंट। तो यहाँ से आपका जो एवरेज करेंट आएगा वो आपका आएगा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, और देखो यहाँ से तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इज नथिंग बट एन ए वी डी ई। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन, दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करेंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करेंट इक्वल टू एन इंटू ए इंटू वी डी इंटू ई। अब ये फॉर्मूला आपको पूरे जिंदगी भर याद रहने चाहिए। यहाँ पे कौन से टर्म क्या है मैंने यहाँ पे लिख दिया है, एन इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ई इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वी डी इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ए इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। अब देखो ध्यान से, हम एक बात और बोल सकते हैं यहाँ पे कि करेंट इज अपोजिट टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करेंट इज अपोजिट टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सबको यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि मेरा जो ड्रिफ्ट हो रहा है वो हो रहा है फ्रॉम बी टू ए, करेंट है फ्रॉम ए टू बी। तो जिस तरफ आपका होता है इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ होता है आपका इलेक्ट्रिक करेंट भी, या जिस तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड उसके जस्ट आपका होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो ड्रिफ्ट आपका होगा उसके जस्ट अपोजिट, और अगर यहाँ पे ड्रिफ्ट हो रहा है निगेटिव चार्ज का तो करेंट आपका फिर से हो जाएगा टुवर्ड्स द डिरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सब बातें आप लोग याद रखना, ये सब बेसिक बातें। मैं एक बार इसको फिर से समझाता हूँ तुम्हारे क्या बोलते हैं उसको, फरमाइश पे। देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि इसमें जो आपके चार्ज कैरियर थे वो स्पीड वी टी से मूव कर रहे थे, और एक्चुअल में हमने जो कंडक्टर लिया है उसका कुछ वॉल्यूम है, उसका कुछ वॉल्यूम है, ठीक है। उसका एरिया ए था, एरिया मैंने ए माना था क्रॉस सेक्शनल एरिया, और मैंने बोला कि चार्ज कैरियर वी डी स्पीड से मूव कर रहे थे। अब देख मान ले कि हम तुमसे पूछे कि डेल्टा टी टाइम में, डेल्टा टी टाइम में जो मेरा कोई भी एक चार्ज होगा, जैसे मान ले कि यहाँ कोई एक चार्ज था, वो डेल्टा टी टाइम में कितना सामने की तरफ शिफ्ट होगा, तो आंसर होगा कि एक्स बराबर स्पीड इंटू टाइम, क्योंकि वो कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तो वी डी इंटू डेल्टा टी, मतलब ये जो आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ था ना वो डेल्टा टी टाइम बाद वो कहीं यहां पहुंच जाएगा, ये देखिए, और ये आपका है डेल्टा एक्स, ये आपका है डेल्टा एक्स। अब इस इतने टाइम में आपका सिर्फ ओनली वन चार्ज शिफ्ट नहीं किया है, वहां पे बहुत सारे चार्ज थे, तो वो सब के सब शिफ्ट किए होंगे, वो सब के सब शिफ्ट किए होंगे। अब यहाँ पे जो चार्ज आपके डिस्ट्रीब्यूटेड हैं फ्री चार्ज, वो आपके वॉल्यूम में है डिस्ट्रीब्यूटेड, वो क्या है, वो आपके जो चार्ज कैरियर्स हैं वो आपके उस पूरे कंडक्टर के वॉल्यूम में है डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब कि अगर हम ये फाइंड कर लें कि डेल्टा टी टाइम में कितना वॉल्यूम शिफ्ट हुआ है, और उस फिर वॉल्यूम में हम एक वॉल्यूम में कितना नंबर ऑफ फ्री चार्ज था उससे जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना चार्ज कैरियर शिफ्ट हुआ है हमको वो मिल जाएगा। तो अभी बस हमको लेंथ मिला है कि इतना लेंथ का शिफ्ट हुआ है, अब इस लेंथ में मैं जैसे ही एरिया से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना वॉल्यूम का चार्ज शिफ्ट किया है हमको वो मिल जाएगा। तो वॉल्यूम का जो शिफ्टिंग हुआ है, वॉल्यूम का कि इतना वॉल्यूम का चार्ज शिफ्ट किया है वो आपका कितना हो जाएगा, एरिया इंटू एक्स, या फिर एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू डेल्टा टी। देखो मतलब इतना वॉल्यूम का चार्ज शिफ्ट हो गया है, पक्का इतना वॉल्यूम का चार्ज शिफ्ट हो गया। हाँ बिल्कुल। अब एक वॉल्यूम में हमने माना था कि एन फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, तो इतने वॉल्यूम में कितना होगा, इसमें मैंने एन से कर दिया मल्टीप्लाई, तो एन इंटू ए इंटू वी डी इंटू डेल्टा टी। अब मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि डेल्टा टी टाइम में इतने आपके फ्री इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं, ये हमको मिला है नंबर। अभी हमको चाहिए चार्ज, तो हमको पता है कि एक जो चार्ज कैरियर था उसमें चार्ज था ई, तो मैंने उसमें ई से कर दिया मल्टीप्लाई, तो जो टोटल शिफ्टिंग था वो आपको मिल गया है एन ए वी डी ई डेल्टा टी। तो इतना चार्ज शिफ्ट हुआ, और हमको तो फाइंड करना है करेंट, तो होता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, तो मैंने डेल्टा टी से कर दिया डिवाइड, तो मिल गया एन ए वी डी इंटू ई। अब बोलो यहाँ पे आप चाहो तो सबको याद ही होगा जो वैल्यू ऑफ ई होता है वो होता है आपका 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम। अब मैं थोड़ा सा और पढ़ता हूँ आगे, सोचो मैंने यहाँ पे जो
कंडक्टर लिया था उसका मैंने एरिया लिया था यूनिफॉर्म। मैंने बोला था आपका कि हर जगह इसका एरिया ये है, और मैंने यही का बोल के ये जो फॉर्मूला जो लाया मैंने वो आपको दे दिया कि मेरा जो कंडक्टर था उसका एरिया हर जगह यूनिफॉर्म था। लेकिन हो सकता है कहीं कहीं पे कि मेरा जो कंडक्टर हो वो यूनिफॉर्म ना हो, उसका जो क्रॉस सेक्शन हो वो हो जाए नॉन यूनिफॉर्म, जैसे कि देखो कुछ ऐसा। हमने ये जो कंडक्टर लिया है इसका क्रॉस सेक्शन नॉन यूनिफॉर्म है, मैंने कुछ ऐसे लिया है। ये इसका क्रॉस सेक्शन नॉन यूनिफॉर्म है, सबको यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। अब इसके लिए हम लोग कुछ और थोड़ा सा करते हैं चर्चा, कभी करना है मेरे को, कोई खास वो नहीं करना है, बस थोड़ा सा आप जान लो नॉलेज। मैंने बोला है कि यहाँ का एरिया है A1, यहाँ का एरिया है A2 और यहाँ का एरिया है A3। अब देखो ध्यान से, हम लोग जब भी ऐसा डीसी करंट के बारे में हम लोग, अभी आपको कहा भी था कि हम लोग करेंगे स्टडी अबाउट मेनली डीसी करंट, और यहाँ पे जब भी हम लोग सर्किट में, जब भी मेरा जो क्वेश्चन आगे आएगा, जब हम लोग लेंगे सिर्फ आपका एक लेंगे बैटरी और लेंगे रेसिस्टेंस वगैरह, तो हम लोग जब भी करेंट का बात करते हैं तो हम लोग करते हैं बात स्टेडी करेंट का। और ये आप लोग के बहुत समय आपके क्वेश्चन में मेंशन भी रहता है स्टेडी स्टेट, या इसको या स्टेडी स्टेट में जो करेंट होता है उसको हम बोलते हैं स्टेडी करेंट। देखो स्टेडी का मतलब होता है यूनिफॉर्म। तो मैं आपसे बोलूं कि इन स्टेडी स्टेट करेंट थ्रू द कंडक्टर, मतलब कि उस कंडक्टर के ईच क्रॉस सेक्शन से या ईच पॉइंट से इक्वल करेंट फ्लो कर रहा है। और मैं जब भी करेंट का बात बोलूं, जब तक मैं इंस्टेंट करेंट ना बोलूं या मैं किसी पार्टिकुलर टाइम ट्रांजिएंट करेंट ना बोलूं, तो मैं बात कर रहा हूं स्टेडी करेंट का। और मैं बात कर रहा हूं कि उस सर्किट के हर पॉइंट पे आपका करेंट सेम आने वाला है, सिंपल सी कहानी है। तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ आपका स्टेडी करेंट का। तो मैंने बोला कि इफ अ कंडक्टर है नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, जैसे मान लो देखो इसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, स्टील करेंट इन अ कंडक्टर थ्रू ईच क्रॉस सेक्शन रिमेन्स सेम। मैंने बोला कि भले ही इसका क्या है, इसका एरिया यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन करेंट इसका ईच क्रॉस सेक्शन से, इस A1 से, इस A2 से, इस A3 से, हर जगह से सेम होगा। और मैं जो करेंट का बात कर रहा हूँ वो मैं बात कर रहा हूँ स्टेडी करेंट से, जब करेंट आपका यूनिफॉर्म हो गया है। ओके, तो लिखो यहाँ पे कि इफ अ कंडक्टर, रखना कि उसके हर क्रॉस सेक्शन से आपका करेंट का वैल्यू सेम आने वाला है, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि स्टेडी स्टेट करेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, स्टेडी स्टेट करेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, अच्छी बात है। मतलब हम बोल सकते हैं कि आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट फॉर द गिवेन कंडक्टर, आई इक्वल टू गिवेन फॉर द कॉन्स्टेंट कंडक्टर। अब देखो मेरा जो ये नोट्स का पर्पस था वो तो एक ये था आपको बताना कि करेंट आपका हर जगह सेम होगा, और जो सेकेंड है पर्पस वो मैं बताता हूं अभी। वी नो आई इक्वल टू एन ए वी डी ई। देखो तो मैं इसको यहां से आई डिवाइडेड बाई एन इंटू ई इक्वल टू ए इंटू वी डी वी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब देखिए फॉर अ गिवेन कंडक्टर, फॉर अ गिवेन कंडक्टर मतलब कि मैं एक कंडक्टर चेंज नहीं कर रहा हूं, आई सेम होगा हर जगह, ई तो भाई हमेशा ही सेम होता है, मतलब ई कांस्टेंट है, ऐसा लिखो, इसको कांस्टेंट लिखो, आई कांस्टेंट, ई कांस्टेंट। एंड फॉर अ गिवेन कंडक्टर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट, मतलब कि आपका एन भी हो जाएगा कांस्टेंट। तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं कि ए इंटू वी डी इज कांस्टेंट। अगर आपका आई बाई एन ही कांस्टेंट है तो आपका ए इंटू वी डी भी होगा कांस्टेंट, बिल्कुल कांस्टेंट होगा। तो ए इंटू वी डी कांस्टेंट, यहां से हम लिख सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि इस गिवेन नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल वाले इस कंडक्टर का करेंट हर जगह सेम है, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी हर जगह सेम नहीं है। क्या सेम नहीं है? हर जगह इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी सेम नहीं है। और हमने देखा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, मतलब जहां पे आपका एरिया ज्यादा है वहां पे वीडी कम होगा,
यहाँ पे हमको साफ साफ दिख रहा है कि A1, उसके बाद आपका आएगा A3, उसके बाद आपका आएगा A2। इस केस में आप अगर लिखते हो VD तो सबसे आपका ज्यादा आएगा सेकेंड केस में, फिर आपका आएगा थर्ड केस में, फिर आपका आएगा फर्स्ट केस में। तो ये अब आपका हो गया ड्रिफ्ट फिलोसिटी के बीच का रिलेशन। ये सेम नहीं है भाई, करेंट सेम है, VD सेम नहीं है, तो इसको सब लोग याद कर लेना। और देखो सुनो कुछ और बातें, हमने ये भी सीखा था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज माइनस ई बाई एम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटू टाउ, कुछ ऐसा भी आया था। अब देखो फिर से यहाँ यहाँ से भी हम लोग बोल सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज या मैग्नीट्यूड ऑफ वीडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जहां पे फील्ड स्ट्रांग था वहां पे वीडी ज्यादा होगा। तो आप यहाँ से ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हो कि फॉर द एबव कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन टू इज सबसे ज्यादा, देन थ्री, देन वन। तो आप, मेरा जो पर्पस था आपको ये बताना था कि अगर नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन रहे तो आप उनके बारे में क्या क्या कंक्लूजन बोल सकते हो। कॉपी करो इसको। तो मैंने क्वेश्चन लिया है ये फॉर प्रैक्टिस, क्वेश्चन को मैं करता हूँ रीड पहले। कैलकुलेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करेंट एग्जिस्ट इन अ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 मिलीमीटर स्क्वायर। द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कॉपर इज 8.5 × 10²। तो हमको फाइंड करना है VD। अब क्या क्या मेरे पास इंफॉर्मेशन दिया है आप वो लिख लो। तो करंट दिया है 1 एम्पियर, एरिया दिया हुआ है, देखो मेरे को एरिया दिया है मिलीमीटर स्क्वायर में, तो आपको इसको चेंज करना होगा इन मीटर स्क्वायर। तो हो जाएगा 2 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। अब ये सब आपको बेसिक बातें कन्वर्जन याद होना चाहिए। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ जो भी मेरा कंडक्टर था या वायर है उसका 2 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर है। ओके, अब अगर यहाँ पे आपके थे फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो चार्ज उन पे आपको ई ही लेना है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। अच्छी बात है। अब जो नेक्स्ट चीज हमको चाहिए, हमको चाहिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखो ध्यान से, तो हमको बोला है कि इन 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, इन 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम कितने हैं, 8.5 × 10⁻²² फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इन 1 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा सारा वैल्यूज इन एसआई यूनिट। तो आपको फाइंड करना होगा कि 1 मीटर क्यूब में कितना होगा। तो अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8.5 × 10⁻²² है तो 1 मीटर क्यूब में होगा, इन 1 मीटर क्यूब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज 8.5 × 10⁻², इंटू आपको इसमें 10⁶ से मल्टीप्लाई करना होगा। अब कुछ लोग को हो सकता है कि ये भी हो कंफ्यूजन कि कैसे आपने 10⁶ से कर दिया मल्टीप्लाई। तो इधर कंफ्यूजन के लिए सोचना है ऐसे कि मीटर क्यूब इज मोर देन सेंटीमीटर क्यूब, तो पक्का उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा ही होगा, तो इसलिए मैंने मल्टीप्लाई किया है। ये काफी सारे कोई होता है डाउट, कहाँ मल्टीप्लाई करना है, कहाँ मेरे को डिवाइड करना है। फैक्टर सबको होता है पता कि मेरे को 10⁶ वाला फैक्टर है, लेकिन मल्टीप्लाई करें कि डिवाइड करें, तो यहाँ पे मीटर क्यूब पक्का ज्यादा है सेंटीमीटर क्यूब से। तो उसमें जो आपका नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आएगा वो आपका ज्यादा ही आने वाला है। तो यहाँ से जो आपका वैल्यू ऑफ एन आने वाला है वो आपका आ जाएगा एन बराबर 8.5 × 10⁸, और ये आपका हो गया इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब डेंसिटी। अब हमको सारे वैल्यू मिल गए हैं, अब अपने को बस फॉर्मूला में पुट कर देना है। तो यूज आई इक्वल टू एन ए वी डी, तो हमको वी डी फाइंड करना है। तो आई बाई एन ए ई, आई है 1 एम्पियर, 1 / n आपको मिल गया है 8.5 × 10⁸। एरिया मैंने फाइंड करके रखा है पहले से ही 2 × 10⁻⁶, और ई का वैल्यू हो जाएगा 1.6 × 10⁻¹⁹। अब बस आपको इसको इसका कैलकुलेशन करना है कितना। ये सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आएगा 3.67 × 10⁻³।
-5 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, ये आंसर आएगा। और देखो, हाँ चलो, क्वेश्चन है कि कॉपर हैज वन कंडक्शन, कंडक्शन का मतलब हुई ही हुआ है तुम्हारा फ्री इलेक्ट्रॉन, चार्ज कैरियर। कॉपर हैज वन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स पर एटम, फुल स्टॉप। इट्स डेंसिटी इज 8.89 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड इट्स एटॉमिक मास इज 63.54 ग्राम पर मोल। मतलब ये इसका दिया है, इसका ग्राम एटॉमिक मास, फुल स्टॉप। इफ अ कॉपर वायर ऑफ डायमीटर 1 मिलीमीटर कैरीज अ करेंट ऑफ 2 एम्पियर, फुल स्टॉप, व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर। देखो, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि मेरे पास कौन कौन सा ऐसा इंफॉर्मेशन है जो कि डायरेक्टली मेरे को पता है। तो हमको करेंट पता है, आई इक्वल टू 2 एम्पियर, ये मेरे को पता है डायरेक्टली। और बोला है कि उस कॉपर वायर का डायमीटर है 1 मिलीमीटर, तो उसका डायमीटर दिया है 1 मिलीमीटर, तो उसका जो रेडियस होगा वो हो जाएगा 0.5 मिलीमीटर। और आपको चाहिए इसका एरिया, एरिया का मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो जो आपने वायर लिया है वो आपका होता है सिलिंड्रिकल शेप का, तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका सर्कुलर ही होता है। तो आप सिंप्लीफाइंग कर लो, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू आपको को यहाँ पे करना होगा पुट 3.14, और आर है आपका 0.5 मिलीमीटर। तो आप इसको लिख सकते हो 5 × 10⁻⁴ मीटर। देखो सब लोग इसको एक बार चेक कर लो। तो मैं यहाँ से लिखूंगा कि इसका स्क्वायर हो जाएगा 25 × 10⁻⁸ मीटर स्क्वायर। इतना आने वाला है मेरा एरिया ऑफ द वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। तो ये आ गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। ओके, अब हम लोग को देखो यहाँ पे ई तुमको पता ही है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। हमको करेंट दिया है, एरिया पता है मेरे पास, मेरे को ई पता है, और वी डी फाइंड करना है। तो क्या होता है, वी डी इक्वल टू आई बाई एन ए ए। देखो, तो अगर मेरे को कोई चीज नहीं पता है तो वो है एन, और एन क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब बस आपको यही इसी में थोड़ा सा था चाप कि कैसे हम लोग एन का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो उसके लिए सुनो, यहाँ पे मेरे को क्वेश्चन ने बोला है कि कॉपर है जो वन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स पर एटम, मतलब ईच कॉपर एटम के पास वन फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ईच कॉपर एटम हैज वन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एन, जो हमको फाइंड करना है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉपर एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि ईच कॉपर एटम के पास वन फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर मान लो कि ईच कॉपर एटम के पास दो फ्री, आपके पास, हाँ मान लो कि अगर ईच कॉपर एटम के पास होता दो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तब लिखते कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ कॉपर एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्योंकि हमको जो यहाँ पे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया है वहां से हम लोग नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, और हमको चाहिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो उसके लिए आपको क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि ईच कॉपर एटम की, या जो भी एटम्स रहेगा उसके पास कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक है, तो मैंने यहाँ पे किया है मल्टीप्लाई 1 से। अगर 2 रहता तो आप यहाँ से 2 से कर सकते थे, ऐसा क्वेश्चन आप बन सकता है। अब सवाल उठ रहा है कि कैसे हम लोग फाइंड करेंगे नंबर ऑफ कॉपर एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखो मेरे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो इसका डेंसिटी पता है मेरे को, और इसका मेरे को ग्राम मोलिकुलर मास पता है। ओके, तो अगर मान लो कि हम अगर ये फाइंड कर लें नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और फिर उसमें एवोगैड्रोज नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो
तो भी हमको मिल जाएगा नंबर ऑफ कॉपर एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैथमेटिक्स और वो बेसिक केमिस्ट्री यूज कर रहा हूँ, और कोई खास बात नहीं है। नहीं कि हमको फाइंड करना है नंबर ऑफ कॉपर एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर हम नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम फाइंड कर लें और उसमें एवोगैड्रोस नंबर से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ही मेरा काम हो जाएगा। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम लोग लिखते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, सॉरी मास, ऐसा गिवेन मास ऐसा लिखो, गिवेन मास डिवाइडेड बाय ग्राम मोलिकुलर मास। ये सबको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवेन मास डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम मोलिकुलर मास। यहाँ पे मेरा एटम है तो हम लेंगे ग्राम एटॉमिक मास, तो ग्राम एटॉमिक मास। ओके ये होगा नंबर ऑफ मोल्स। अब मैं चाहता हूँ फाइंड करो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैं इसमें वॉल्यूम से करूंगा डिवाइड, तो आपका हो जाएगा मास गिवेन मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम एंड यहां जो आकर होगा इन डिवाइडेड ऑल्सो ग्राम एटॉमिक मास। अब देखिए तो गिवेन मास बाय वॉल्यूम इज नथिंग बट डेंसिटी। गिवेन मास बाय वॉल्यूम इज नथिंग बट डेंसिटी एंड ये जो आपका ग्राम एटॉमिक मास है मैं लिखता हूं इसको कैपिटल एम से, तो ये आपका हो गया कैपिटल एम इज द ग्राम एटॉमिक मास। तो ये आपको मिला है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। हमको फाइंड करना था नंबर ऑफ कॉपर एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो वहां से क्या हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो इन वन मोल आपके होते हैं 6.02 × 10³³ एटम्स, या आप जिसको बोलते हो एवोगैड्रोज नंबर। तो मैंने उससे एन ए से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो डी एन ए बाई एम। एन ए क्या है, एन ए इज द एवोगैड्रोज नंबर 6.02 × 10³। तो अब बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि जब भी आपको डेंसिटी और उसका मॉलिक्यूलर मास दिया रहे तो आप लिखना बस क्या कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये फॉर्मूला आप याद कर लेना, आपका काम हो जाएगा। आपसे कहीं भी ये कैसे आया है वो नहीं पूछता है, मैंने बस समझाया। तो आपका आ जाएगा डी इंटू एवोगैड्रोज नंबर डिवाइडेड बाई उसका मॉलिक्यूलर मास। और देखो तुमको क्वेश्चन में डी भी दिया है और एम भी दिया है और एन का वैल्यू तुमको पता ही है। तो बस अब हम आ जाएंगे फिर से अपने काम पे। तो यहाँ पे हो जाएगा कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू 1 × नंबर ऑफ कॉपर एटम्स, मतलब सिंपल हो जाएगा डी इंटू एन ए बाई एम। अब बस आप इसका वैल्यू करो पुट यहाँ पे, तो एन इक्वल टू डी कितना दिया है देखो, तो डेंसिटी वो दिया है कहाँ गया 8.89 g/cm³ डेंसिटी दिया है आपको 8.89 g/cm³। और जो आपका एन ए तो ये नंबर ही हो जाएगा 6.02 × 10³ डिवाइडेड बाई मास आपको दिया था कितना 63.54 g। देखो तो यहाँ से ग्राम हो जाएगा कैंसल आउट। तो जब ये आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करने के बाद आपका जो भी आंसर आएगा तो आएगा नंबर ऑफ फ्री, ये सॉल्व करने के बाद आपका क्या आएगा, जो भी आंसर आएगा वो आएगा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर cm³। तो यहां से आपका आएगा पर cm³, क्योंकि मेरे को डेंसिटी दिया था cm³ में। तो आप इसमें फिर से 10 × 6 से करना मल्टीप्लाई, तब आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर m³। और बस अब इसको सॉल्व करना होगा। तो यहां से सॉल्व करने के बाद आया है एन का वैल्यू 0.8423 × 10³³ इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर। तो ये सॉल्व करने के बाद आया है एन इक्वल टू 0.8423 × 10³³ इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यू, या इसको हम लिख सकते हैं 8.423 × 10²² इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यू। और इसको आप कर लो चेंज मीटर क्यूब में, क्योंकि हमको करना होगा यूज इन एसआई यूनिट। तो
आप इसको कर दो मल्टीप्लाई बाई 6, तो 8.423 इंटू 10^28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, ये आपका हो जाएगा वैल्यू ऑफ एन। अब हमको एन मिल गया है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। बस अब आप इसका वैल्यू यहाँ पे करो पुट, तो देखो यहाँ से वी डी हो जाएगा, करेंट हमको दिया था 2 एम्पियर, तो 2 डिवाइडेड बाई एन मिल गया है 8.423 इंटू 10^28, एरिया का वैल्यू आया था 78.5 इंटू 10^-8 और एंड इंटू ई का वैल्यू आप कर दो पुट 1.6 इंटू 10^-19। ये इसको मैं जब सिंप्लीफाई करूंगा तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये कुछ आएगा 2 डिवाइडेड बाई 8.423 इंटू 78.5 इंटू 1.6 और इंटू 10^-1। ये थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा 2 डिवाइडेड बाई 1055.04 इंटू 10^-1। इसको आप थोड़ा सा और करो सिंप्लीफाई, तो ये आपका आएगा 0.0019 इंटू 10^-1, या आप इसको 1.9 इंटू 10^-4 लिख सकते हो, और यही होगा फाइनल आंसर ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हो जाएगा 1.9 इंटू 10^-4 मीटर पर सेकेंड, ये अपना आ गया आंसर ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो बस आप इस टाइप का जहाँ भी क्वेश्चन मिले, जहाँ पे आपको डेंसिटी ऑफ वो जो भी मटेरियल और उसका एटॉमिक मास दिया रहे, तो आप बस ये करना याद कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो है Na इंटू डी बाई एम, और यहाँ से आपका एक एटम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स चार्ज, आप उससे करना मल्टीप्लाई, तो आपको नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम भी मिल जाएगा। फिर तो बस सिंपल ही है, ठीक है? तो ऐसे ही सब आपको प्रैक्टिस करना है। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे और भी हम लोग ओम्स लॉ करना स्टार्ट करेंगे। तो चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय।